ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। जब व्यक्ति को मुसीबत आती है तो उसको सारे दोष नजर आते हैं। जरा पंडित जी देखना, मुझे पितृदोष है। क्यों? बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, बहुत दुखी है। देखिए, जरा पितृदोष है। पंडित जी बोलेंगे पितृदोष तो नहीं है, वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए महाराज। और वास्तु शास्त्री के पास जा करता है, जरा देखिए हम बड़े तकलीफ में है, बड़े दुखी हैं। क्या वास्तु दोष है हमारे घर में? क्या हमारे घर में वास्तु दोष है? क्या देखिए जरा। तो फिर वास्तु शास्त्र ने कहा घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं है, तो फिर इतना दुख काय से है, इतनी तकलीफ काय से है? आप जो परमात्मा का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, नाम जाप करोगे, स्मरण करोगे, कर्म अच्छा करोगे तो ही तो ठीक होगा महाराज। जरा देखो हमारी हमारे घर में कोई दोष तो नहीं है वास्तु का? वास्तु दोष नहीं है। अब पितृ दोष नहीं है, वास्तु दोष नहीं है, फिर का एक काम करो, हम बड़े तकलीफ में है। जरा हमारी जन्म पत्रिका देखो, जरा जन्म लग्न देखो, जन्म पत्रिका देखो, पत्रिका में तो दोष नहीं है। अरे भाई, जब व्यक्ति का मुसीबत का समय आता है, दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, तो वो पितृदोष देखता है, वो वास्तु दोष देखता है, वो पत्रिका में दोष देखता है कि कारण क्या है मुसीबत का। बस दिक्कत एक ही है कि वो अपने कर्म में दोष नहीं देखता कि मेरे ये पितृदोष, ये वास्तु दोष, ये सारे दोष तो बात के हैं, पर सबसे पहला दोष है कि जो कर्म करा है वो कैसा करा है, उसके अनुसार मुसीबत आई है, उसके अनुसार हम दुख झेल रहे हैं। बार बार कहा जाता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम दोष देख रहे हैं, हमने पितृदोष दिखवाया, हमने वास्तु दोष दिखवाया, हमने पत्रिका में दोष दिखवाया। मेरा एक निवेदन करबद्ध है, जब आपके ऊपर मुसीबत जब आई है, दुख जब आया है, तो अपने पूर्व के किए हुए कर्म का भी दोष निकालो कि क्या कर कर आए। पत्रिका दिखा करके बोले वो पत्रिका का दोष मत निकलवाइए, वास्तु का गलती निकाल कर वास्तु का दोष ना निकल जाए महाराज। अगर पितरों का भाव निकाल कर पितरों का दोष ना निकालिए, पर एक दोष अपने भीतर भी है, वो कर्म का दोष है। कुछ अच्छा करा होगा तो भगवान आपके जीवन में थोड़ा तो सुख लिख ही देगा, थोड़ा सुख तो लिखेगा। और यदि बेकार कर्म किया है तो कहीं ना कहीं दुख तो उसने लिखा है। कर्म का मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। महाराज, कर्म का दोष जरूर देखें, पितृदोष बाद में देखना, वास्तु दोष बाद में देखना, पत्रिका में दोष बाद में देखना, पहले अपने कर्म का दोष देखिए। फिर निवेदन करेंगे, बार बार कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो, शिव का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, राम का, कृष्ण का, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण करो, पर करो। क्यों? क्योंकि दुख, तकलीफ, कष्ट
पत्रिका दिखाने से नहीं कटेगा, मकान के दरवाजे बदलने से, वॉशरूम बदलने से, पाइप बदलने से नहीं बदलेगा। दुख तकलीफ तुम 50 बार वास्तु को भी बदल कर देख लेना, फिर भी दुख और तकलीफ कष्ट नहीं, ये कष्ट समाप्त नहीं होगा, दुख और तकलीफ समाप्त नहीं होगी। किसी से तुमने बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर किसी को व्यापार में, व्यवसाय में, कोई काम में किसी को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, सीधा था समझ नहीं पाया, उससे तुमने 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 तुमने ले तो लिए और खुश भी हो गए कि मैंने उससे ले लिए, अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आए लेने के लिए भला क्या बिगाड़ लेगा। और वो आया, उसने कहा भैया तुमने मेरे पैसे ले रखे हैं, दे दो ना। भैया उस समय पर जब मेरे पास था मैंने आपको दे दिया था, अब आपका काम हो गया ना, दे दो। अब आपके पास में पूंजी आ गई ना, दे दो। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, दो तरह का पैसा होता है। एक व्यक्ति ब्याज पर देता है ना ब्याज पर, कि तुम ये रुपया ले जाओ, हम तुमसे इतना ब्याज लेते रहेंगे, बाद में मूल दे देना। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपनेपन से, प्रेम से, अपनी करुणाता से, अपनी पहचान से, अपने हृदय से, अपनी चित्त वृत्ति से, अपने दिल से जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो कह देता ले ले जा 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 काम निकाल ले, बाद में दे देना। पर व्यक्ति इतना विचित्र हो जाता है कि जिससे ब्याज पे लिया है उसका तो पूरा ब्याज देता रहता है, और जिसका बेचारे का देना है उसका दे ही नहीं पाता। पर निवेदन है, जिसने तुम्हें मुसीबत में साथ दिया, तकलीफों में, कष्ट में तुम्हारे साथ दिया, सबसे पहले हाथ जोड़कर उसको निवेदन कर देना कि ये तेरा है भाई, ना जाने फिर जरूरत पड़ जाए तो तुझसे मिल तो जाएगा। जब एक बार दे दोगे तो वो दूसरी बार देने के लिए तैयार बैठा रहेगा। पर तुमने जब सोच लिया, विचार कर लिया कि मैं तो खा रहा हूं, निगल रहा हूं, तो फिर जब नियत में खोट आ गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा जिसका तुमने पैसा खाया, वो कुछ नहीं करेगा। अब तो वो करेगा जिसने इसके माध्यम से तुझे दिलाया, उसको कुछ नहीं करना। जब कष्ट पे कष्ट आया, दुख पर दुख आया, तकलीफ पर तकलीफ आई, सारी पत्रिका दिखा ली, पितृ दोष की पूजन करा ली, वास्तु बदलवा लिया, सारे काम कर लिए, तो भी दुख नहीं मिटा, तब गुरु के पास गए। पर गुरु भी क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि और थोड़ा सा देख लो। पर कष्ट मिटेगा कब, जब कर्म का दोष मिटेगा, जो करा है उस दोष को भी तो मिटाओ। विचार करना पांडवों पर कितनी कितनी तकलीफ आई, कितनी तकलीफ आई पांडवों पर, लाक्षागृह में आग लग गई, पर भगवान किसी रूप में आकर बता दिए कि आग लगने वाली है, सुरंग बनवा दी, बाहर निकलवा दिया, दुख तो आया था ना। पूरे वन में जब तक पांडव रहे तकलीफों पे तकलीफ भोगते रहे, हर बार तकलीफ सब भोगा, पर भगवान पर विश्वास था, क्योंकि माता कुंती ने कहा था कि कर्म के लेत को शिव काटता, भगवान ब्रह्मा उतना ही देंगे जितना तुम्हारी लेखनी में लिखा है, भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, पर भगवान शंकर तो कुछ नहीं देखते, ना लेखनी, ना कर्म, ना भाग्य, उन्हें का अपना है, दे दो उठा के, उठाओ दे। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।